गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग और बताइए कैसे हैं आप सर आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह का टाइम है और तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की और ब्रेकफास्ट में कुछ जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है बस हस्बैंड ये जो है नाइट में ब्रेड लेकर आए थे तो वही रखी हुई थी तो मैंने कहा चलिए यही जो है मैं सेक लेती हूँ चाय के साथ और जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबू की एग्ज़ाम चल रही हैं तो बीच बीच में जो है स्टडी लीव होती हैं तो बस सुबह से बाबू भी जो है घर पर ही रहती है तो सुबह की ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती है हस्बैंड भी जो है साढ़े दस के आसपास जाते हैं तो इस टाइम जो है थोड़ा आराम से थोड़ा लेट से ही जो है उठना होता है उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर मैं आ जाती हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करने के लिए तो बस यहाँ पर मैं बटर के साथ जो ब्रेड है वो सेक रही थी और दूसरी साइड साथ के साथ मैंने जो चाय थी वो रख दी थी बनने के लिए तो ब्रेड तो मैंने सारी सेक ली हैं बट बच्चे जो है अभी नहीं जागे थे बट जैसे ही जो है हम लोग नाश्ता करने बैठे फिर जो है बच्चे भी जाग गए थे तो फिर उनको भी मैंने दे दिया था अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करने के बाद तो यहाँ पर सारी ब्रेड सीख गई हैं और साथ के साथ देखिए इधर हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो गई है तो यहाँ पर मैंने अपने लिए दो ब्रेड ले ली हैं क्योंकि हस्बैंड तो आपको पता ही है सुबह जो है वो चाय के साथ कुछ नहीं लेते हैं खाली चाय ही पीते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने सिर्फ चाय ले ली है और अपने लिए दो ब्रेड और चाय ले ली है क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ या फिर यूं कहिए नहीं पी पाती हूँ मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो बस यहाँ पर मैं ले आई थी अपना ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया इतने में बच्चे भी जो है जाग गए थे तो उन्हें भी जो है ब्रश वग़ैरह करा कर यहाँ पर मैं उनके लिए भी ले आई हूँ जैसे कि आपको पता ही है कि बाबू भी जो है इस तरह से कुछ खाती है तो वो चाय के साथ ही खाती है दूध के साथ नहीं खाती है अब तो अभी भी जो है, जो है जो है चाय मांगने लगता है अगर देख लेता है तो बस दोनों ही बच्चों को यहाँ पर मैं बैठाकर कर जो ब्रेकफास्ट है वो करा रही थी और उसके बाद जो है फिर अब मैं लग गई हूँ अपना लंच की तैयारी में और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर पनीर लेकर आए थे हस्बैंड वही रखा हुआ था तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी कर रही थी प्याज अदरक लहसुन टमाटर वगैरह का जो है मैंने बना लिया है पेस्ट और बस वही नॉर्मली जिस तरह से मैं सिंपल सी अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ वही बनाऊँगी तो यहाँ पर ना आपसे मुझे कुछ बात करनी थी आ, कल तो ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि आज ना बाबू का एग्ज़ाम है मैथ का तो उसी की जो है मैं तैयारी करा रही थी तो व्लॉग में एडिट नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी क्योंकि बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि साथ के साथ में हम जो है माओ का भी एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वैसे तो तैयारी डेली थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी बट एग्ज़ाम से पहले का जो दिन होता है ना तो बहुत प्रेशर होता है तो इसी वजह से जो है मैं एडिट नहीं कर पाई तो कल ब्लॉग नहीं आया था परसों मैंने जो है एक ब्लॉग डाला था खर्च घर के खर्चों को लेकर मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इस वजह से मैंने वो जो है व्लॉग डाला था तो बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगी व्यूज़ उस पर आए हैं व्यूज़ तो थोड़े ही हैं कमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे बट जो भी थोड़े बहुत कमेंट थे ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट थे इतना अच्छे से जो है आप सभी ने जो है आ, मेरे जो बताए हुए टिप्स थे उनको पसंद किया मुझे जो है काफ़ी थैंक्स बोला तो उसके लिए आप सभी को जो है थैंक यू सो मच कि आप सभी को मेरी जो बातें होती हैं मेरे जो टिप्स होते हैं वो पसंद आते हैं और इसी के साथ साथ जो है मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप ना बहुत अच्छे से जो है घर को संभालते हो बहुत अच्छे से घर को चलाते हो बहुत अच्छे से मैनेज करते हो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो इस तरह से लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप ना एकदम जो है परफेक्ट हाउसवाइफ हो तो देखिए ये सब सुनकर ना मुझे अच्छा तो बहुत लगता है जब खुद की तारीफ़ होती है तो जाहिर सी बात है हर किसी को अच्छा लगता है बट सच बात ये है अगर सच में आपको बताऊँ तो मैं भी जो है शुरू से ही ऐसी नहीं थी क्योंकि देखिए शादी से पहले ना एक लड़की की जो लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है और शादी के बाद ना लाइफ बहुत अलग हो जाती है बहुत ही चेंज हो जाती है और हर किसी के साथ ही ऐसा होता है मैं अपनी ही क्या बोलूं कि मायके में अगर मायके वाले अच्छे हैं तो इतना लाड़ प्यार मिलता है इतना प्यार मिलता है और हर छोटी छोटी चीज़ को पूरा किया जाता है तो फिर जो है शादी के बाद ये सारी जब चीज़ें होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनको मैनेज करना मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ था मैं जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे जो मायके वाले हैं वो कितने सपोर्टिव हैं मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं तीन भाइयों में मैं अकेली बहन हूँ तो उस हिसाब से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही जो है लाड प्यार था एक जो है छोटी सी मेरी हर छोटी से छोटी मांग मेरी पूरी पूरी की जाती थी जो है जगह पर हर चीज़ मिल जाती थी कुछ भी जो है मुझे करना नहीं पड़ता था जगह से उठना नहीं पड़ता था तो उसके बाद फिर जब शादी हो गई और इस तरह से फिर जब धीरे धीरे जिम्मेदारियां आईं तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता था और मैं कर भी नहीं पाती थी मैंने तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो है घर में जो है वो होते ही हैं तो आप सभी जानते ही हैं मैं क्या बोलूँ तो थोड़ी बहुत जो है मुश्किल होती है तो घर में भी थोड़ी बहुत जो है बातें होती हैं कहा हो ही जाती है तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था बट जैसे जैसे जो है जिम्मेदारियां जो है आती हैं ना इंसान के ऊपर तो धीरे धीरे वो सब कुछ जो है करना सीख जाता है काम होते हैं काम भी सब सीख जाता है इसके साथ साथ हमको घर किस तरह से चलाना है कैसे मैनेज करना है अपनी ज़िम्मेदारियों को हमें किस तरह से जो है निभाना है सब कुछ कैसे हमें साथ में लेकर चलना है और किस तरह से हमें अपने जो है घर के साथ साथ सारी चीज़ें देखनी हैं तो वो जो है धीरे धीरे सब कुछ जो है आ जाता है अपने आप ही जैसे जैसे जो है ज़िम्मेदारी आती जाती है जैसे जैसे टाइम होता है हम शादी को जो है टाइम देते हैं एक जो है टाइम बढ़ता जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप जो है आती जाती हैं तो ऐसा ही मेरे साथ है काफ़ी कमेंट आए थे कि दीदी हम जो है बहुत हमने फालतू पैसे वेस्ट किए हैं हमने भी हमने बहुत जो है ये चीज़ें खरीदी हैं ये किया है वो किया है और आपको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है आपकी टिप्स बहुत अच्छी हैं तो जब आपने इस तरह से कमेंट किए ना तो मुझे भी ये लगा कि मैं जो है मैं भी शुरू से ऐसी नहीं थी मैंने भी जो है स्टार्टिंग में जो है बहुत मुश्किल से जो है ये सारी चीज़ें मैनेज की क्योंकि होता है ना कि आइके में जब एक अकेली लड़की होती है तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं और फिर शादी के बाद अगर उनमें थोड़ी सी भी दिक्कतें आती हैं ना तो बहुत बुरा लगता है तो उसके लिए जो है फिर कहीं ना कहीं घर में थोड़ा बहुत जो है कहाँ सुनी भी होती है तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बट धीरे धीरे वही बात कि धीरे धीरे जब खुद पर आती गई ज़िम्मेदारियाँ आती गई जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई एक जो है वाइफ बनी फिर जो है बहू बनी माँ बनी तो जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं ना तो सारी चीज़ें अपने आप इंसान के अंदर आती जाती हैं ऐसा नहीं है मैं ही हूँ हर किसी के साथ जो है ऐसा होता है बस ये है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ तो आप सभी को मेरे बारे में पता जो है चलता रहता है तो इस वजह से आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है करते हैं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बट मैं यही कहूँगी कि परफेक्ट देखिए कोई भी नहीं होता है तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ बस ये है कि अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं फिर वो चाहे एक पत्नी की तरफ से हो, एक बहू की तरफ से हो, या एक माँ की तरफ से हो, या बेटी की तरफ से तो मैं उनको जो है बखूबी निभा सकूँ हर चीज जो है सही से सही तरह से कर सकूँ बस ये मेरी जो है कोशिश रहती है बाकी तो आप सभी का प्यार है जो आप सभी इतना प्यार करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो यही था जब आप सभी के कमेंट पढ़े ना तो ये लगा कि हाँ कितना जो है अच्छा लगता है ये सब सुनकर पर कहीं ना कहीं हर किसी की जो शुरुआत होती है वो कहीं और से होती है फिर धीरे धीरे इंसान जो है सब कुछ सीखता चला जाता है सब कुछ करता चला जाता है तो बस वही था और कुछ नहीं तो मन में आया तो मैंने आपको बता दिया कि आप सभी इतना प्यार देते हैं तो मुझे लगा मुझे भी बताना चाहिए कि मैं भी शुरू से जो है इस तरह से नहीं थी बस जिम्मेदारियों ने जो है ऐसा मुझे बना दिया है जो अब मैं सब कुछ जो है बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और हर अपनी छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुशी ढूंढती हूँ क्योंकि यही होता है ना एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है तो वो जो है अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होती रहती है अपने बस घर के कामों में बिज़ी रहती है और उसी में जो है मस्त रहती है तो बस वही वाला हिसाब है, है तो बस वही था और कुछ नहीं देखिए बातों बातों में यहाँ पर मेरे जो सारे काम हैं वो हो गए मुझे पता भी नहीं चला आपसे बात करते करते मैंने जो है अपना लंच बनाया उसके बाद हस्बैंड खाना वगैरह खाकर चले गए बच्चों को मैंने खाना खिलाया अपना गैस किचन काउंटर वगैरह क्लीन किया और उसके बाद हस्बैंड जो है ग्रॉसरी लेकर आए थे तो वो ग्रॉसरी सारी मैंने जो है अरेंज की और पूरा ग्रोसरी हॉल वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल सत्या लाइफ स्टाइल एंड व्लॉग्स पर देखने को मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा शाम को जो है व्लॉग आ जाएगा तो उसके बाद फिर जो है मैंने अपना झाड़ू पोंछा वगैरह किया क्योंकि ग्रोसरी अरेंज करनी थी तो फिर से थोड़ा बहुत तो मैसी हो जाता तो मैंने बाद में ही फिर अपना आराम से झाड़ू पोंछा किया बच्चों को नहलाया और अभी को नहीं नहलाया क्योंकि मैं काम कर रही थी इतने में वो सो गया था तो बाबू को नहलाया उसके बाद फिर जो है मैं नहाई और नहा कर जो है किचन की एक टावल मैंने धुली थी वो मैंने जो है डाल दी सूखने के लिए और अपनी जो टावल वगैरह थी वो सब मैं डालने के लिए आई तो यहाँ पर बगल वाली जो दीदी दी थी ना वो साड़ी वगैरह अपने लिए लेकर आई थी तो फिर वो उन्होंने मुझे रोक लिया और वो जो है दिखाने लगी पूछने लगी कैसी हैं कैसी क्या है क्या इनका प्राइस होगा तो मैंने बोला कि मुझे प्राइस वग़ैरह का आइडिया नहीं होता है साड़ियों में क्योंकि आप सभी को पता है मैं साड़ी इतनी ज़्यादा लेती नहीं हूँ और जो लेती भी हूँ वो ऑनलाइन होती है तो मार्केट के प्राइस में और ऑनलाइन प्राइस में बहुत अंतर होता है आप सभी को पता है तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कितने की क्या है तो काफ़ी देर हम लोगों को वहाँ हो गया बातें बातें करते गए आधा घंटा के करीब हो गया था इतने में बाबू के ट्यूशन का टाइम हो गया वो ट्यूशन चली गई और जो है मैं यहाँ पर अपना जो लंच है वो कर रही हूँ और आज मेरा लंच जो है काफ़ी लेट हो गया तो बस यहाँ आराम से बैठ लंच कर रही हूँ और अभी सो गया है और लंच में तो आपको पता ही है मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी बूंदी का रायता चावल सैलड है साथ में रोटी है और आंवले का अचार है जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने अपने जो है खाने में इंक्लूड की हैं जो हेयर फॉल के लिए जो है अच्छी होती हैं तो बस वही है बस खाना वगैरह खाया उसके बाद फिर जो है थोड़ी बहुत देर मैं बैठी अपना फ़ोन वगैरह चेक किया इतने में जो है कपड़े भी मेरे जो थे सूख गए थे क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी तो बस मैं कपड़े ले आई और कपड़े लाकर अब यहाँ पर जो कपड़े हैं मैं उनको फोल्ड कर दूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं उनको अरेंज कर दूँगी अलमीरा में साथ के साथ यहाँ पर मैंने टीवी चला रखा था तो बस थोड़ा बहुत टीवी देखती जा रही थी और अपना जो काम है वो करती जा रही थी तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा